सोलन में कांग्रेस प्रवक्ता रमेश चौहान की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया और कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि चंबी मैदान में आयोजित उनकी रैली बेहद सफल रही, जिसकी सफलता को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला चुकी है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस अब 12 मार्च को जन चेतना रैली का आयोजन करेगी, जिसका शुभारंभ शिमला में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर करेंगे। इस रैली का आयोजन प्रदेश के कोने कोने में किया जाएगा और इसके माध्यम से भाजपा को मतदाताओं के समक्ष बेनकाब भी किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा पर जुमले पार्टी के आरोप पार्टी हर बार लगाती रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रमेश चौहान ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा ने जो वायदे किए थे वे केवल जुमले ही बनकर रह गए हैं और अब जनचेतना रैली के माध्यम से मतदाताओं से पूछा जाएगा कि जो वादे सरकार ने किए थे क्या वे उसे पूरा करने में कामयाब हुई है या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा घोषित किया गया था कि हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक उस पर क्या किया गया इस पे भी पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा 2014 में दिए गए घोषणा पत्र में अधिकतर वादे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं, इसको लेकर भी पार्टी जनता के बीच जाएगी। आपके खाते में 15 लाख रुपया आया, क्या धारा 370 हटी, क्या राम मंदिर बना, क्या गंगा स्वच्छ हुई, जो हमारा काला धन था बाहर के देशों में वो वापस आया, और खास करके हिमाचल में तो एक बहुत बड़े मुद्दा है, उन्होंने कहा था कि सिरमौर जिला का जो हाटू समुदाय है, जो गिरिपार का क्षेत्र है, उनको हम ट्राइबल का दर्जा दिया देंगे। रायना जी ने, मोदी जी ने खुद इसको जो हिमाचल प्रदेश के जो टूर में थे, भाषण में, रैलियों में उन्होंने कहा था, वो आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में जो सेब है, जो बागवान हैं, उनके कीमत को बढ़ाने के लिए हम जो इम्पोर्ट होता है जो सेब है उसको, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, वो नहीं हुई। तो वे 2500 जवानों को एक साथ एक कॉन्वॉय में भेजा, इंटेलिजेंस की जो इनपुट थी उसको उन्होंने ध्यान न दिया और चौकीदार सोता रहा उस इंटेलिजेंस पुट के ऊपर। यही नहीं, इसके अलावा राफेल की जो फाइल है वो चोरी हो गई, और वो भी कहाँ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से चोरी हो गई, और जब वो चोरी हुई तो भारत का जो चौकीदार है वो उस दिन भी सोता रहा। भारत के किसानों को 6000 रुपया साल में मिलेगा, जो बहुत छोटा सा अमाउंट है, वो तो एक मजदूर बेचारा जो 200 रुपये की दिहाड़ी करता है उसका भी पूरा नहीं होता, पर वो 2000 रुपया पहले खाते में आया। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं मोदी जी को, कि मोदी जी ने वो 2000 रुपया अगले दिन विड्रॉ कर लिया, तो भी जो चौकीदार है वो किसानों के साथ जो है बहुत धोखा करी जा रहा है।